बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिफोर शेयरिंग माय लेक्चर, प्लीज़ ब्रिंग योर उर्दू बुक्स, नोटबुक्स एंड पेंसिल। व्हेन एवर यू कम टू अटेंड द क्लास, आई नीड योर फुल अटेंशन। ओके, प्लीज़ फोकस टुवर्ड्स द लेक्चर, प्लीज़ म्यूट योर माइक एंड डोंट टच द स्क्रीन। इन्वॉल्व योर सेल्फ टुवर्ड्स योर लेक्चर। Now raise your hands. कल का लेक्चर किस किस को समझ में आया? आपने होमवर्क किया था? ओके, चलें आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे इज 1 जुलाई 2020 एंड द डे इज वेडनेसडे। आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, मौसम की बात। आज हम क्या पढ़ेंगे? मौसम की बात। अच्छा, देखें, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अगर आपके पास एक ही मौसम हो, सर्दी पूरा साल सर्दी हो, तो आप कितने परेशान हो जाते हैं ना, आप सर्दी से तंग पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए, उनके दिल बहलाने के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला ने 4 मौसम रखे हैं। कितने मौसम हैं? 4, ठीक है। जनवरी से लेके मार्च तक, फरवरी तक ठंड होती है, उसके बाद मौसम बहार आ जाती है, मौसम बहार के बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और गर्मी के बाद फिजा आ जाती है। आपको पता है ना कितने मौसम है हमारे मुल्क में? 4 मौसम हैं। ओके, तो आज हम लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे मौसम की बात, ठीक है। प्लीज ओपन योर बुक्स, लेसन नंबर 5 निकालें। चले, आप इंट्रोडक्शन नोट करें इसका। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मौसम की बात। शायर का क्या नाम है? सरशार सिद्दीकी, ठीक है। अल्लाह ताला की जो अता करदा नेमतें हैं, उसमें एक और नेमत जो है वो अल्लाह ताला की नेमत मौसम है। हर मौसम का अपना अंदाज और रंग होता है। पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, ठीक है, मौसम सरमा, मौसम गर्मा और बहार और फिजा। आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? रेज योर हैंड्स, टेल मी। ओके, यस, आजकल मौसम गर्मा चल रहा है। हर बच्चा और बड़ा, परिंदे, जानवर सब तंग आए हुए इतनी शदीद गर्मी से। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो फिर हमारा क्या दिल चाहता है, क्या हो जाए? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमारा क्या दिल चाहता है? हमारा दिल चाहता है कि बारिश हो जाए, अच्छा मौसम हो जाए, हम बारिश में एंजॉय करें। जब बारिश होती है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बारिश में नहाते हैं, बारिश में खेलते हैं, चिरिन प्रिन चिड़िया, जानवर, परिंदे सब खुश हो जाते हैं, ठीक है, और सब इंजॉय करते हैं, बारिश में खेलते हैं। चलें, अब आपकी बुक्स ओपन है। चलें, इसके खास अल्फाज हैं। आज हम जिस मौसम की बात कर रहे हैं वो है मौसम बरसात, यानी जिसमें बारिश होती है, जिसमें पौधे खुश हो जाते हैं बारिश से, चिड़ियाँ, चिरिन परिंद, इंसान सब जो गर्मी से घबराए हुए होते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं इसको। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? बरसात की। बरसात ऐसा मौसम जिसमें बारिश बरसती है। ठंडा लू, लू गर्म हवा को कहते हैं। जब गर्मी बहुत शदीद होती है तो हवा भी गर्म हो जाती है, उसको हम लू बोलते हैं, ठीक है। हलकान, हलकान का मतलब है परेशान, घबराया हुआ, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इंसान, जानवर सब हलकान हो जाते हैं, ठीक है। चलें, अब मेरे साथ रीडिंग करें। आओ करें मौसम की बात। चले पढ़े मेरे साथ और हैंड रेस करें कि आपने पढ़ लिया है। आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। पढ़ें, आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। जब सर्दी का मौसम आए सूरज भी ठंडा पड़ जाए, जब सर्दी का मौसम आए सूरज भी ठंडा पड़ जाए, गर्मी आए तो जाए जान, लू से हो दुनिया हलकान, ठीक है।
फिर जब आ जाए बरसात, बारिश बरसे दिन और रात, आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आओ करें मौसम की बात, हम सब मिलके, मैं आप एक क्लास हैं, और हम किसकी बातें कर रहे हैं? मौसम की बातें। गॉड। और मौसम, कौन कौन सी मौसमों की बातें कर रहे हैं? सर्दी गर्मी और बरसात की बातें कर रहे हैं। ठीक है कि सर्दी होती है तो क्या होता है, गर्मी होती है तो क्या होता है, और बारिश जब बरसती है, बरसात आती है तो क्या होता है। ठीक है, अब देखें, जब सर्दी का मौसम आए, यानी कि जब ठंड का मौसम आता है, तो आप धूप में भी खड़े हो गए, ऐसे लगता है फिर भी हमें ठंड लग रही है, और ऐसे लगता है जैसे सूरज भी ठंडा हो गया है या सूरज की भी हीट नहीं है। ठीक है, सूरज भी ठंडा पड़ जाए। गर्मी आए तो जाए जान। ठीक है, और जब गर्मी आती है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये देखें, इस बच्चे के पसीने निकल रहे हैं और ये बेचारा गर्मी से हलकान हो रहा है। बच्चे बार बार नहाते हैं फिर भी गर्मी लगती है। ठीक है, गर्मी आए तो जाए जान, लू से हो दुनिया हलकान। लू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, गर्म हवा को कहते हैं। लू से हो दुनिया हलकान, यानी कि पूरी दुनिया ही घबरा जाती है गर्म हवा से, गर्मी से। कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, गर्मी से, धूप से, सब परेशान हो जाते हैं और सब साया ढूंढते हैं, चिरिंद परिंद इंसान। फिर जब आ जाए बरसात, और जब इतनी शदीद गर्मी में अल्लाह ताला जब इंसानों के ऊपर अपनी रहमत बरसाते हैं, और कौन सा मौसम आ जाता है? बरसात का। बारिश बरसे दिन और रात, और अल्लाह ताला के हुक्म से जब दिन और रात बारिश बरसती है, तो फिर ऐसे बच्चे खुश हो जाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। शायर का क्या नाम है? सरशार सिद्दीकी। चलिए आप मेरे साथ एक बार फिर पढ़ें, और अकल मैंने आपसे ये पोएम सुननी भी है। आओ करें मौसम की बात, जी बोले मेरे साथ, सर्दी गर्मी और बरसात। जब सर्दी का मौसम आए, सूरज भी ठंडा पड़ जाए, गर्मी आए तो जाए जान, लू से हो दुनिया हलकान। फिर जब आ जाए बरसात, बारिश बरसे दिन और रात, आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। शायर का क्या नाम है? सरशार सिद्दीकी। शायर का क्या नाम है? सरशार सिद्दीकी। चलें, ये देखें, ये गर्मी का मौसम है, सूरज खूब अपनी गर्मियां दिखा रहा है। लुक एट दिस पिक्चर। कितने बच्चे हैं इस पिक्चर में? तीन बच्चे हैं, और वो कहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं? पूल में। और सर्दी में क्या होता है, ये देखें, सर्दियों में बच्चे देखें गरम गरम कपड़े पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, अपने आप को गरम रखते हैं। और ये देखें, इसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बारिश में क्या होता है, जब बारिश आती है गर्मी के बाद, तो सब खुश हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे कागज की कश्तियां बनाते हैं, देखिए डक्स भी आई हैं, मेंढक आ जाते हैं। अच्छा जी, मौसमों के मुख्तलिफ नाम, सर्दी को हम सर्दी भी कहते हैं, इंग्लिश में विंटर्स कहते हैं, और इसको मौसम सरमा भी कहा जाता है। गर्मी को हम क्या कहते हैं? समर। उसको मौसम गर्मा भी कहते हैं और गर्मी भी कहते हैं। अब देखें, बरसात के कितने नाम हैं? बरसात भी कहते हैं, सावन भी कहते हैं, और इसको मूनसून भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर पूछूंगी कि बरसात के कितने नाम हैं, बरसात को क्या कहते हैं। चलें, नाउ टेक आउट योर बुक्स, इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। चलें, मौसम कैसे लिखते हैं? मीनवा मो,
अब ये बोलने में तीनों अल्फाज एक जैसे हैं, लेकिन लिखने में तीनों के वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। मौसम ये स्वाद से है, और मीम व मो सीन मीम सम, मौसम ये सीन से है, मीम व मो से मीम सम, तीनों की आवाज़ें एक जैसी हैं लेकिन लिखने में तीनों अलग हैं। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सेंटर के वर्ड को, मौसम। हलकान का वर्ड आपने पढ़ा है पोएम में, हलकान देखें ये हाथी वाली हे से है, ये हे जो है हलवे वाली हे से है, और ये हलकान में काफ नुक्तों वाली काफ आ गई है। तो इनमें से कौन सा हलकान दुरुस्त है, इसको सर्कल करें, हलकान। अच्छा जी, बारिश हम कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पे तीन तरह से बारिश लिखी हुई है, इसमें बारिश में ये आ गया है, इसमें बारिश में आइन आ गया है, लेकिन ये दोनों नहीं है, बल्कि बारिश जो है बेल बारेशीन बारिश, द राइट वर्ड इज बारिश, दैट इज द राइट वर्ड। आपने इसको सर्कल करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाइए। मीम व मो सीन मीम सम, मो सम। लिखिए मेरे साथ, मैं आपका वेट करती हूँ दो मिनट के लिए। आप ये दोनों, आप इसको भी कंप्लीट करें और इसको भी लिखिए। You have done, raise your hands. चले नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, सीन वाओ रे जीन, क्या बना? सूरज। अब प्यारा सा लिखे हैं सूरज यहाँ पे, नोट डाउन, सीन वासो रे जीन सूरज, राइट इट ओवर देयर। नेक्स्ट वर्ड इज गाफ रे गर, मीम छोटी ए मी, गर्मी। गाफ रे गर मीम छोटी ए मी, गर्मी। इसको आप जोड़ के बहुत प्यारा सा लिखें, ऐसे लिखेंगे इसको, गाफ रे गर। गाफ रे आपने जोड़ के लिखना है और मीम छोटी ए मी को जोड़ के लिखना है आपस में। चले नेक्स्ट वर्ड इज बेरे बर, सीन बढ़िए से, क्या बना? हैंड रेस करें, बर से, गुड। बेरे बर सीन बढ़िए से, बर से। चलें इसको रिपीट कर लेते हैं, मीम वामो सीन मीम सम, मौसम, सीन वाओ रे जीन सूरज, गाफ रे गर मीम छोटी मी गर्मी, बेरे बर सीन बढ़िए से, बर से। नेक्स्ट वर्ड इज थे नून ठंड डाल अलिफ्ता, क्या बना? ठंडा। थे नून ठंड डाल अलिफ्ता, ठंडा। आई होप कि आपने इसको मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा, रेज योर हैंड्स। गुड। चलें आप मुझे बताएं, नज्म में किन तीन मौसमों के नाम हैं? इस पोएम में चार मौसमों के नहीं बल्कि तीन मौसमों के नाम हैं। हाँ जी, गुड। नज्म में किस किस मौसम के नाम हैं? सर्दी, गर्मी और बरसात। गुड, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी में क्या ठंडा पड़ जाता है? सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि सूरज भी ठंडा पड़ गया है। यस, नोट इट। अच्छा मुझे बताएं, गर्मी में लोग किस वजह से हलकान होते हैं? गर्मी में लोग किस वजह से हलकान होते हैं? हमने पढ़ा था इसको, गर्मी में लोग लू की वजह से हलकान होते हैं। लू कहते हैं गर्म हवा को, शदीद तपिश और गर्म हवा को लू कहते हैं। तो गर्मी में लोग लू की वजह से हलकान होते हैं। इसको लिखें, गुड। अच्छा, बरसात में दिन और रात क्या होता है? जब बरसात आती है तो दिन और रात में
बारिश बरसती है। जी लिखें, बारिश बरसात में दिन और रात बारिश बरसती है। Noted. चले मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। नज़्म में किन तीन मौसमों के नाम हैं? सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी में क्या ठंडा पड़ जाता है? सूरज। गर्मी में लोग किस वजह से हलकान होते हैं? गर्मी में लोग लू की वजह से हलकान होते हैं। बरसात में दिन और रात क्या होता है? बरसात में दिन और रात बारिश बरसती है। गुड। चलें, अब ये क्वेश्चन आपने खुद से लिखना है। आपको कौन सा मौसम पसंद है और क्यों? बहुत सारे बच्चों को सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत से बच्चों को गर्मियाँ, और बहुत से बच्चों को बहार पसंद है। तो आपने अपने फेवरेट मौसम के बारे में लिखना है। आपने बताना है कि आपको कौन सा मौसम पसंद है, क्योंकि उस मौसम में आप क्या करते हैं, खेलते हैं, आप लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कौन से फल खाते हैं। आपने अपने फेवरेट मौसम के बारे में सब कुछ लिखना है। ओके, यू हैव टू फिल इट। अब आपका जो होमवर्क है उसको नोट करें। आपने ये पोएम, ये नज़्म ज़ुबानी याद करनी है और उसके शायर का नाम भी ज़ुबानी याद करना है, और आपने इस पोएम को बहुत अच्छे से लिखना भी है। ठीक है, इसको बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, मैं इसको दोबारा शेयर करती हूँ। अब मैं आपसे सुनूंगी इसकी रीडिंग। ओके,